ओके तो रोमांचक मूवी अपना थ्रेटिकल रन कंप्लीट करने के बाद फाइनली डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर रिलीज हो गई है, जिसका हम अगर ऊपर ऊपर से जॉनर देखेंगे तो वो आता है हॉरर कॉमेडी। लेकिन देखा जाए तो इसके अंदर हॉरर की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम थी, लेकिन कॉमेडी A1 क्लास की थी। एंड मेरे हिसाब से इसी की वजह से लोगों ने इसे इतना ज्यादा प्यार दिया कि ये मूवी जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ के बजट में बनी थी, इसने 75 करोड़ रुपीज कमाए बॉक्स ऑफिस पे, विच इज नॉट एट ऑल अ जोक। एंड इसे देखने के बाद ये चीज समझ में भी आती है कि लोगों को कौन कौन से एस्पेक्ट अच्छे लगे होंगे, जिसमें अब हम डाइव करने वाले हैं इसकी कहानी की तरफ, जो कि रिवॉल्व करती है 7 दोस्तों के अराउंड जो कि एक साथ बैंगलोर के अंदर रहते हैं। एंड वहां पे उन लोगों के अंदर कुछ चुनौती मचती है, तो वो ओजा बोर्ड लेकर आते हैं, जिसके बाद उनका एनकाउंटर होता है एक आत्मा के साथ। एंड आगे चल के जो हरकतें होती हैं वही है कहानी रोमांचम। एंड जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर बोला, इसके अंदर की जो कॉमेडी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एंड टाइप ऑफ कॉमेडी की बात करी जाए तो उन्होंने इसके अंदर डायलॉग्स भी रखे हैं, प्लस उन्होंने स्लैपस्टिक टाइप कॉमेडी भी रखी, जो कि ओवरऑल इसे काफी ज्यादा एंगेजिंग एंड काफी ज्यादा अच्छी एक फील दे रहा था। उसके अलावा बात करी जाए इसके बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर साउंड डिजाइन की, तो वो काफी ही ज्यादा बढ़िया था। एंड इसके अंदर डायलॉग्स भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से लिखे गए थे, ऑब्वियसली तभी तो तुम्हें कॉमेडी की एक्चुअल फील आएगी। ऑल इन ऑल ये काफी ज्यादा अच्छी मूवी है, जिसके अंदर अगर ड्रॉबैक की बात करी जाए तो वो सिर्फ यही होगा कि इसके अंदर हॉरर एलिमेंट काफी ज्यादा कम था। एंड सच बताऊं तो उसके हॉरर एलिमेंट को देख के मेरे को एक्चुअली फील आई थी फोन भूत की, लाइक उसके अंदर भी हॉरर एलिमेंट काफी ज्यादा कम था लेकिन कॉमेडी काफी ज्यादा अच्छी थी। बट विदाउट कंपैरिजन भी ये काफी ही ज्यादा ऑन पेपर एक अच्छी मूवी है, जिसे तुम डेफिनेटली एंजॉय करोगे। मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड है। एंड यही था मेरा ओपिनियन इसके रिगार्डिंग, तुम्हारा क्या कमेंट करके बता सकते हो। टिल देन गुड बाय, टाटा, सी यू, बाय।